सुबह सुबह का टाइम है जी, टाइम अभी हो रहा है जी 7:30 और कोई भी नहीं है सर, क्योंकि आज सैटरडे है तो हमें छुट्टी है, इस वजह से बाकी लोगों को भी छुट्टी हुई है, हमें और एजुकेटर जो स्कूल है एजुकेटर और बैरियर वालों को छुट्टी होती है हफ्ते वाली, तो मजे आएंगे। तो बाकी जी सब लोगों को स्टार्ट करते हैं, तो वेलकम बैक टू दी माई न्यू व्लॉग। आपको टाइटल और थंबनेल से पता लग गया होगा कि आज किस टॉपिक पर बात होने लगी है, तो आज का टॉपिक है हमारा गाड़ी का शीशा कैसे टूटा, तो वो आपको मैं सारी बात करूँगा फुल डिटेल में, ठीक है। वही सबसे पहले अभी नाश्ता वगैरह करते हैं, ठीक है, और अभी टाइम 7:30 हो गए, ठीक है। मैं आज उठ गया था 6:30 बजे तक, ठीक है, क्योंकि रूटीन स्कूल की वही हुई है, सही होता है सुबह में होता मुझे रात को जल्दी रहती है, तो इस वजह से अभी नाश्ता वगैरह करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि क्या मतलब। बाकी गाइस पिछली वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच, क्योंकि पिछली मेरी 9-10 वीडियोज़ पे मतलब बहुत बैड रिस्पॉन्स आ रहा था, ठीक है, 20 व्यूज से मेरे, ठीक है, 20 से ऊपर मतलब जा ही नहीं रहे थे मेरे व्यूज, ठीक है, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ, तो बाकी थैंक यू जिस जिसने वो ब्लॉग देखा, ठीक है। बाकी जब मैं ब्लॉग अपलोड करता हूँ तो यार आप शेयर करते हो अपने फैमिली मेम्बर्स को या ग्रुप्स में चीज़ें भी, ठीक है, तो उससे यार व्यूज़ बढ़ते हैं, तो इस वजह से यार कर दिया मुझे, तो बाकी भी रास्ता वगैरह करते हैं, ठीक है। बल्कि हम आपको बताएंगे ये बात, ठीक है, ट्यूशन से आकर, क्योंकि यार अभी ट्यूशन भी जाना, ठीक है, पापा जी ने टेस्ट भी दिया हुआ याद करने के लिए, उनका टेस्ट भी याद करना है, तो इस वजह से, ठीक है, ऐसे याद है पर रिवाइज करना है, पर फिर भी थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो इस वजह से जब मैं ट्यूशन से आऊँगा ना शाम को 5 बजे, तो फिर मैं तब आपको बताऊँगा। बाकी स्टे एट वॉच। तो फिर नाश्ता वगैरह कर लिए मैंने, ठीक है, तो अभी मैं बैठ चुकी हूँ जी पढ़ने के लिए, ठीक है, पापा का टेस्ट याद कर लो, ये नहीं थी मुताला पाकिस्तान की बुक जो मुझे सबसे बुरी लगता है, पूरा सब्जेक्ट लगता है, ठीक है, यार वैसे है मतलब कि इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर बताते हैं किस तरह का मतलब पाकिस्तान बना, ठीक है, किस तरह इसकी तश्कील हुई, वो सब कुछ बताते हैं, ठीक है। बाकी पर इसके यार सब मिल जाती याद नहीं होते क्वेश्चन, इतने इतने बड़े बड़े क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ इसके, ठीक है, ये रहे ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ढाई पेज का, अब पता क्या करें यार, तो फिर सोचो लोग कितना बड़ा होगा, ठीक है, तो बस अभी याद करते हैं, ठीक है। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोग मुझे डेयर दे ग्रुप दे, ठीक है, कुछ और डेयर दे, ठीक है, वो मैं कंप्लीट करूँगा, ठीक है, वो मैं वीडियो उसके लिए समझूँगा, तो जाके कूद करो कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है, वो जाके मुझे ट्रुप दो और डेयर दो, डेयर भी दो और ट्रुप भी दोनों दो, ठीक है, तो इंशाल्लाह वीडियो आ जाएगी जल्दी जल्दी, ठीक है। और बाकी क्यों यार अभी यार ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों ने पूछे, तो बाकी तो फ्रेंड्स मैंने अभी पढ़ाई वगैरह कर लिया, ठीक है, याद वगैरह कर लिया, पापा को जो टेस्ट वगैरह दिया था वो मैंने तैयार कर लिया, देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी बुक्स पड़ी हुई है और यहाँ पर भी, ठीक है। बाकी अभी मेरा होमवर्क तो कंप्लीट कर लिया था मैंने कल ट्यूशन में, ठीक है, तो बाकी बस अभी याद करेंगे, ठीक है, याद करते रहेंगे करते रहेंगे, अच्छा होगा, फिर अच्छा पेपर्स वगैरह आएंगे तो फिर रिवीजन करेंगे। फिर मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे लूँ, ठीक है, जाके उसको देखो, ठीक है, चैनल विजिट करो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, वो चैनल मेरी बैन करता, ठीक है, आपको फोटो गेला पा उसको जन्म भी लगा दी, ठीक है, वो कुकिंग के रिलेटेड है, ठीक है, तो उस पर अभी और वीडियोस आने वाली है, ठीक है, एक 2 से 3 वीक्स तक आएगी, तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यहाँ पर जी ना पिया दूध पी रही है, हाँ जी क्या कर रही हो, हैं दूध पी, तो गाइस अभी टाइम हो रहा है जी 2:45, तो अभी नमाज वगैरह मैंने पढ़ लिया, ठीक है, तो अभी बस खाना वगैरह बन लगा, ठीक है, तो अभी खाना वगैरह खाएंगे, फिर ट्यूशन जाएंगे, ठीक है, तंदूरी रोटी बनने वाली है, ठीक है, बड़ा मज़ा था, हम लोग तो हमारे पास तंदूर है ना, तो गर्मियों में हम लोग ज़्यादा तंदूरी तंदूर की रोटियां खाते हैं घर में, ठीक है, तो यहाँ पर जी रोटियां बनी है तंदूर वाली, ठीक है, अभी वैसे गर्म हो रहा है ये तंदूर, तो आ चुकी है जी होम मेड तंदूर की रोटी और साथ सालन है, ठीक है, तो जल्दी से खाना खाते हैं फिर ट्यूशन जाएंगे। तो फ्रेंड गाड़ी का शीशा टूटा ना, तो फिर ये चीज़ें वगैरह निकालनी पड़ी थी, क्योंकि वो पीछे शीशा सारे निकालते हैं ना, तो इस वजह से अभी यहाँ पर वो सीटें वगैरह लगाते हैं, फिर आपको मिलते हैं सीटें वगैरह लगा के सारी चीज़ें लगाओ। फ्रेंड्स मैंने अभी सीट वगैरह लगा दी और चीज़ें वगैरह जो डिग्री हीट वो रख दी है सारी, बाकी भी मैं पापा साथ के जा रहा हूँ, तो उधर चलते हैं, ठीक है, आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं। तो गाइस आते हैं जी हम मेन टॉपिक की तरफ, कि हमारी गाड़ी का शीशा कैसे टूटा।
तो जिस हिसाब से मैं बताता हूँ आपको, मैं रुमान अमान बैठे हुए थे जी, हम बाहर सीढ़ियों पे, ठीक है। तो अचानक से ना ऊपर छत से, जिस जो सामने वाली छत है ना, ये देख ये वाली छत है ठीक है, इस छत से पत्थर आया, छाता ये वाली छत है ना, इधर से ऊपर से पत्थर आया ठीक है। अब ये मेरी मदद नहीं चला कि मतलब किस छत से आया ठीक है, पर एक कन्फर्म ये हुआ है कि वहाँ से आया ठीक है। तो बाकी जैसे ही मतलब पत्थर आया तो गाड़ी के शीशे पे लगा, शीशा टूट गया था ठीक है। तो मैम पर सीधा छत पे वो ठीक है, जो रुमान लोग थे ना वो इधर आ गए, मतलब मेरे पापा उतारे आ गए, मैं छत पे आ गई तो उधर ऊपर छत पे बचे गए थे ठीक है। और मैं साइड वाली छत पे भी देखा था, इधर भी कोई नहीं था ठीक है। तो मतलब कोई ना उस आया था, आना था तो इस छत से आया था। अब हम किसी भी ऐसे ब्लेम नहीं कर सकते कि यार इन्होंने शीशा तोड़ा हुआ, इन्होंने शीशा तोड़ा हुआ ठीक है, क्योंकि जब तक हमें कन्फर्म नहीं होता था आप किसी भी ऐसे ब्लेम नहीं कर सकते ठीक है। तो बस इस तरह हुआ था ठीक है। तो और तो लगा इसके पीछे कोई लंबी कहानी है नहीं ठीक है। तो फिर अगले दिन पापा जी ने जाके लगवा ली थी नई स्क्रीन ठीक है। तो जैसे कि आप स्क्रीन भी देख सकते हैं ठीक है, थंबनेल ले लिया हुआ आप लोगों ने। तो बाकी तो बहुत बुरी तरह शीशा टूटा था ठीक है, एक लिए भी पड़ा ही आप देख लें। तो गाइस ये देख सकते हैं हमारी गाड़ी का शीशा टूट गया है ठीक है, बहुत ज़्यादा दिल टूट गया है। तो ये पत्थर है, इसे टूटा है देखिए। तो गाइस गाड़ी देखी जा रही, तो गाड़ी के ऊपर तिरपाल दे देते हैं ठीक है, बस बहुत तकलीफ हो रही है, दिल टूट रहे यार। ज्यादा बड़ा भी था, उसकी बोग जाके ना शीशे पे लगी है, तो इसलिए जाके वो पूरा शीशा ना ब्लास्ट हो गया। वो आप देख सकते हो वीडियो में ठीक है, आप देख लिया वीडियो। तो बाकी इसके पीछे और तो इतनी बड़ी कहानी नहीं है ठीक है। तो बस फिर लो लगवा दी शीशे सब कुछ हो गया, बाकी भी जाने भी होने वाली है ठीक है। तो इसी तरह लोग ऐड करते हैं, तो आई होप यू एंजॉय दिस व्लॉग, हिट लाइक एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे फॉलो कर लेना। तो यार मेरा मेन मकसद ये नहीं है कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि हमारी गाड़ी का शीशा टूटा था ठीक है। तो इस तरह मेन मकसद ये है कि यार चलो नुकसान जो होना था वो हो गया ठीक है। अगर गाड़ी जगह कोई बच्चा होता, कोई बड़ा होता ठीक है, तो उसका तो अगर उसके साथ भी लग जाती सर, उसका तो सर फट जाता था। तो यार मेन मकसद ये है कि अपने बच्चों को समझाना चाहिए ठीक है, कि और नज़र रखनी चाहिए ठीक है। तो इस वजह से बस ये मेन मकसद है कि अपने बच्चों को समझाएं कि इस तरह नहीं करते ठीक है, पता शायद उठा के नीचे फेंक दे। अब तो बस ये मकसद है ठीक है मेन, ये अब मैंने इसलिए वीडियो नहीं बनाई कि आप लोगों को मैं बताऊँ कि हमारी गाड़ी की शीशा टूटा ठीक है। और अब ये देखना कि ब्लॉग के ये फायदे हैं कि अब उधर घर में किसी को नहीं पता था कि मतलब गाड़ी का शीशा टूटा ठीक है। तो अब इस ब्लॉग अपलोड होने के बाद सबको पता चल जाएगा यार कि गाड़ी का शीशा टूटा था, क्योंकि सारे वीडियो देखेंगे तो उनको पता लग जाएगा। तो खैर है, जो होना था हो गया ठीक है, लाइफ में आप लोग आते ही रहते ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो बाय बाय, मिलते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉग में।